तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सभी बहुत ही बढ़िया, अपने घर में सेफ है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि वुड पिकर से हेडशॉट कैसे लगाया जाता है। जी हाँ गाइस, आपने बिल्कुल सही सुना। बहुत सारे ऐसे लो एंड डिवाइस वाले प्लेयर होते हैं और लो एंड पीसी वाले प्लेयर होते हैं जिनसे बिल्कुल भी हेडशॉट नहीं लगता। अब ये सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है या फिर उन्हें हेडशॉट मारने ही नहीं आता। आज की इस वीडियो में आपको सब चीज बताने वाला हूँ कि आखिर वुड पिकर से हेडशॉट कैसे लगाया जाता है, लॉन्ग रेंज में कैसे लगाते हैं, क्लोज रेंज में कैसे लगाते हैं और आपसे क्या क्या मिस्टेक हो सकते हैं। आपको इस वीडियो में हर बताने वाला हूं। जैसे कि अभी आप यहां पर हेडशॉट देख रहे हो, बिल्कुल ऐसे ही हेडशॉट आपसे 1 GB रैम वाले फोन या फिर 2 GB रैम वाले फोन, जितना भी आपका लो एंड डिवाइस है, सभी में हेडशॉट लगने वाला है। और इसमें मैं एवरीथिंग बताऊंगा, हर चीज, कुछ भी नहीं बचने वाला। तो अगर आपसे हेडशॉट नहीं लगता, आप भी परेशान हो बॉडी शॉट मार मार के, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। तो चलिए अब हम बात करते हैं हेडशॉट लगाने के लिए क्या चीज मैटर करता है। तो गाइस, हेडशॉट लगाने के लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है वो है सेंसिटिविटी। अगर आपके फोन का सेंसिटिविटी लो है ना, तब तो आपसे बिल्कुल भी हेडशॉट नहीं लगता होगा। एम जो है बॉडी में इस तरीके से आप देख सकते हो, ऐसा ही बॉडी में चिपकता होगा, मतलब ड्रैग करने के नाम में कुछ भी नहीं हो रहा है। आप जितना भी ड्रैग कर लो, ड्रैग होता ही नहीं है। तो ये होता है एम जो है बिल्कुल चिपक देता है लो सेंसिटिविटी में। तो अब यहां पर आपको मैं ये बता देता हूं कि हेडशॉट लगाने के लिए सेंसिटिविटी बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए दो तरीके आते हैं, आपको दोनों में से किसी एक को फॉलो करना ही होगा, नहीं तो हेडशॉट बिल्कुल भी नहीं लगने वाले, चाहे आप कोई भी ट्रिक यूज कर लो। तो पहला ट्रिक ये है कि भाई आपको पाउडर का यूज करना है जब भी गेम खेल रहे हो, या फिर आप पाउडर का यूज करना नहीं चाहते तो सबसे बेस्ट है भाई गेमिंग स्लीव। ये जो गेमिंग स्लीव होते हैं कपड़े टाइप का रहता है, आप इसको घर में भी बना सकते हो, उंगली में आपको लगाना है, थंब में। उसके बाद आपका सेंसिटिविटी बिल्कुल डबल ट्रिपल हो जाएगा, कुछ भी करना नहीं पड़ेगा भाई, बिल्कुल स्मूथ चलेगा, जिसके वजह से आप सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हो अपने फोन का। आपको कोई डीपीआई वगैरह छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। तो दोनों में से कोई भी ट्रिक फॉलो कर सकते हो सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए। तो अभी ये तो हो गया इस हमारे फोन के बाहर का सेंसिटिविटी, जिसे हम खुद से बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं फ्री फायर के सेंसिटिविटी और कस्टमाइजिटी को कैसे रखें, क्योंकि ये दोनों चीज भी काफी मैटर करता है। तो देखो, फ्री फायर का सेंसिटिविटी भाई सिंपल है, आपको 100 करना है जनरल को, उसके अलावा बाकी से कोई मतलब नहीं रहता हेडशॉट लगाने का। तो जनरल को सिंपल से 100 कर लेना। कोई बंदा ये मत सोचना कि भाई 0 करने से हेडशॉट लगता है, ये बिल्कुल गलत है, आपको 100 ही करना है। उसके बाद कस्टमाइजिटी का बात करता हूं, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि कस्टमाइजिटी में जो फायर का बटन होता है ये डिफॉल्ट होना चाहिए। बहुत सारे बंदे इसको बड़ा कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता भाई। जो भी आपका सेंसिटिविटी है ना फोन का, वो फ्री फायर में तो आपका 100 हो गया। फायर बटन का साइज छोटा या बड़ा करने से इससे आपका सेंसिटिविटी बढ़ने वाला नहीं है, ये आपके फोन के प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करता है कितना सेंसिटिविटी है। तो आप अगर इसको छोटा बड़ा करते हो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, इसे डिफॉल्ट रखना। तो अब गाइस, आपको वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है, क्योंकि यहां पर मैं आपको हेडशॉट ट्रिक बताने वाला हूं। बोले तो हेडशॉट का जो थ्योरी है उसको आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आपको ट्रिक को फॉलो नहीं करना है, आपको बस समझना है हेडशॉट कैसे लगाया जाता है। तो देखो, यहां पर मैं पूरा ड्रैग करने का कोशिश कर रहा हूं, लगातार ड्रैग किए जा रहा हूं, बट बिल्कुल भी हेडशॉट नहीं लग रहा है। मैं यहां पर आपको एम को हेड के ऊपर भी ले जाकर दिखा देता हूं, इधर उधर भी, मतलब कई लोग बोलते हैं ना हेड के ऊपर रखने से हेडशॉट लगता है, या फिर आपको पैर में रखना है, पैर के नीचे रखना है, तो कितने सारे तरीके होते हैं, सबको मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, बट हेडशॉट बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। मतलब होता क्या है कि बंदा का दो टाइप का एम कंट्रोल करने का रहता है, पहला तो उसके हेड में रहता है। अगर आपका एम जो है हेड में कनेक्ट हो जा रहा है तब तो अच्छा है, अगर बॉडी में कनेक्ट हो रहा है तो बॉडी का सेंटर में एम कनेक्ट हो जाता है, वहीं पर चिपक जाता है। तो दो तरीके से एम जो है कनेक्ट होगा बंदे के ऊपर। तो अभी यहाँ पर बंदे के बॉडी के ऊपर हमारा एम जो है कनेक्ट हो रहा है, इसका कारण क्या है, बहुत सारे बंदे के साथ यही प्रॉब्लम होता है। तो देखो, इसका कारण यह है कि आपके फोन का सेंसिटिविटी बिल्कुल लो है, ऊपर से आप ना ही पाउडर का यूज करते हो ना ही गेमिंग स्लीव का यूज करते हो। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको मैं सबसे पहले सेंसिटिविटी बढ़ाने का तरीका बता दिया। अब यहाँ पर मान लिया आपका सेंसिटिविटी भी बढ़ गया, तब भी अगर ऐसा हो रहा है तो उसका सिर्फ एक ही कारण हो सकता है, वो है आप बिल्कुल धीरे धीरे ड्रैग कर रहे हो। आपको एकदम जोर से ड्रैग करना है, मोबाइल में अगर खेल रहे हो तब जोर से ड्रैग करना है, और पीसी में भी समझ लो सेम टू सेम है, क्योंकि देखो गेम का अलग हो जाता है फंक्शन हेडशॉट लगाने का, और पीसी मोबाइल का अलग हो जाता है। तो मैं आपको सिर्फ फ्री फायर का बता रहा हूँ, फ्री फायर में आखिर हेडशॉट कैसे लगेगा, चाहे उसे कंप्यूटर में खेलो चाहे मोबाइल में खेलो, हेडशॉट जो लगने का तरीका है, मेन तरीका है, वो फ्री फायर का है। तो आपको फ्री फायर के तरीकों को समझना है, तो आपको जोर से ट्रैक करना है। मोबाइल में आप खेल रहे हो ना, तो बिल्कुल जोर से ट्रैक करना है, और स्लीव या फिर पाउडर का यूज किया करो। तो अगर आप फायर बटन को जोर से ट्रैक करते हो, तब जाके आपसे ऐसा ही हेडशॉट लगने वाले हैं, चाहे आप एम को बॉडी के ऊपर रखो या हेड के ऊपर रखो या फिर पैर के नीचे रखो, जहां पर भी रखो भाई, पर जोर से ट्रैक कर देना और गेमिंग स्लीव या पाउडर का यूज करना, तब देखो कैसे हेडशॉट लगने वाले हैं। ये मेन चीज यही प्रॉब्लम रहता है कि सेंसिटिविटी कम होती है, आप समझ नहीं पाते तो प्रॉब्लम हो तो हो क्या रहा है। और कुछ बंदे के में क्या होता है, रिकॉइल होता है, मतलब गोली जो है हेड के पास जाता है,
बट वहां पर से गुजर के कहीं दूसरे जगह चला जाता है। तो देखो इसके लिए मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूँ। अगर कुछ ऐसा टाइप का सिचुएशन होता है कि सेंसिटिविटी तो हाई है, आप जोर से भी ट्रैक कर रहे हो बट गोली जो है हेड के आसपास से जाकर निकल जाती है, तो इसके लिए आपको दो मेथड यूज करना है। पहला तो हेड के ऊपर हैम रखो, उसके बाद ट्रैक करो, बिल्कुल मतलब हेड के ऊपर रखना है, उसके बाद थोड़ा सा रुक जाना है। जैसे क्या होता है, पहले बंदे को आप मार रहे हो उसके बाद दूसरे बंदे के एम कनेक्ट करोगे तो डायरेक्ट आप वहां से उठाकर डायरेक्ट उसके हेड के ऊपर लेके ड्रैग कर लेते हो। तो आपको पहले उसके हेड के ऊपर एम को लेके जाना है, थोड़ा सा रुकना है एकदम थोड़ा सा, उसके बाद आपको तुरंत से ड्रैग कर देना है। तो ये तरीका आप अपना सकते हो। जैसे कि देखो मैं कैसे यहाँ पर हेडशॉट लगा रहा हूँ, एम को हेड के ऊपर रख रहा हूँ। और उसके बाद दूसरा तरीका यह है कि आपको बंदे के ऊपर एम को कनेक्ट ही नहीं करना है, मतलब उसमें एम को रेड करना ही नहीं है, आपको सीधा ड्रैग कर देना है। जैसे कि अब यहाँ पर देखो आप बिल्कुल शॉक हो जाओगे, यहाँ पर मतलब मेरा एम जो है ना कहीं दूसरे पर है लेकिन हेडशॉट में मतलब हेड में जाकर सीधा लग रहा है, बॉडी में रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये एक ट्रिक है। और आपको जो मैं हेड के ऊपर ले जाने वाला एम बताऊं वो ट्रिक है, अगर ऐसा रिकॉइल वाला प्रॉब्लम हो रहा है तब बोल रहा हूं। तो यहां पर आप देखो मैं एम को बिल्कुल नीचे किया हूं, उसके बाद जोर से ट्रैक कर रहा हूं, तो ऐसे में हेडशॉट लग रहा है। अगर रिकॉइल हो रहा है तो आप इन दोनों ट्रिक को यूज कर सकते हो। तो अब गाइस यहां पर आपको मैं हेडशॉट के बारे में एक्सप्लेन कर दिया, अब हम बात करते हैं क्लोज रेंज और लॉन्ग रेंज के हेडशॉट की। तो देखो लॉन्ग रेंज में ना आपको बिल्कुल धीरे से ट्रैक करना है, चाहे एम जहां पर भी हो, चाहे बॉडी में हो या फिर हेड पे हो, क्योंकि वहां पर तो आप एम को सेट कर नहीं सकते, बंदे बिल्कुल चींटी की तरह दिखेंगे। तो आपको बिल्कुल धीरे से ट्रैक करना है, बिल्कुल धीरे से, फायर बटन से कोई लेना देना नहीं रहता, आपको धीरे से ट्रैक करना है। और उसके बाद हम बात करते हैं क्लोज रेंज की। तो क्लोज रेंज में आपको बिल्कुल जोर से ट्रैक करना है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ भाई, आप सेंसिटिविटी को देख के जानो कितना जोर से ट्रैक कर रहा हूँ, बट बिल्कुल भी हेडशॉट नहीं लग रहे हैं। तो आपको यहाँ पर भी क्या करना है, एकदम जोर से जितना आपका ताकत है उतना स्पीड से खींचो, जितना जल्दी हो सके उतना खींचो, उसके बाद देखना क्लोज रेंज में भी हेडशॉट लगेंगे। तो यहाँ पर सिंपल फंडा ये है कि भाई क्लोज रेंज में ज्यादा ट्रैक करना पड़ेगा और लॉन्ग रेंज में थोड़ा कम ट्रैक करना पड़ेगा। तो अभी आपको मैंने बता दिया कि फ्री फायर में वुड बिगर से हेडशॉट कैसे लगा सकते हैं, वन टैप हेडशॉट, ड्रैग हेडशॉट, ये सभी कैसे आप लगा सकते हो। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को प्लीज लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।